दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाश गिरफ्तार कर लिए। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा भागते हुए पुलिस ने दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल और सरवन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 8 बाइक, लूटी गई 2 गोल्ड चैन, 1 पिस्टल, 1 देसी तमंचा बरामद किया है। द्वारका जिले के डीसीपी शंकर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि एटीएस इंचार्ज इंस्पेक्टर कमलेश मीना की टीम दो बदमाशों के द्वारका सेक्टर 14 मोड़ के पास आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद इंस्पेक्टर कमलेश मीना और एसआई विकास यादव राजवीर के साथ टीम के अन्य सदस्यों ने इलाके में ट्रैप लगाया था। इस दौरान आरोपियों को बाइक पर आता देख रुकने का इशारा किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एटीएस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें एक गोली राहुल नाम के बदमाश के पैर में लग गई। वहीं दूसरा बदमाश मौके से भागने लगा, जिसे पुलिस कर्मियों ने फुर्ती दिखाते हुए दबोच लिया। एक दो डेस्परेट स्नैचर जिनका नाम राहुल और श्रवण है, उनको गिरफ्तार किया गया है। ये राहुल के ऊपर 25 मुकदमे थे, रॉबरी के, स्नैचिंग के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, आर्म्स एक्ट के, और श्रवण के ऊपर एक मुकदमा है। ये दोनों गोली के दम पर हमारी जो माता बहनें चलती हैं सड़कों पर, उनका गोल्ड चेन स्नैच करते थे। हमारे द्वारका डिस्ट्रिक्ट के एटीएस टीम ने, हेडेड बाय एसीपी विजय सिंह, इंस्पेक्टर कमलेश चंद और एसआई विकास यादव ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। सागरपुर जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मोहनगढ़ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उस दिन दो स्नैचिंग हुई थी, और अभी हमने पिछले कुछ दिनों में ही द्वारका डिस्ट्रिक्ट में एक ह्यूज आर्म्स कंसाइनमेंट पकड़ा था, जहां आधा दर्जन पिस्टल और 106 राउंड्स पकड़े गए थे। गौरतलब है कि राहुल नाम के बदमाश पर पहले सिर्फ 25 आपराधिक मामले दर्ज है, जबकि श्रवण 1 आपराधिक मामले में शामिल है।